आज इस वीडियो में हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। कुर्ता कॉलर और कफ वाला है, शर्ट जैसी आस्तीन बनेगी इसकी। नाप इस प्रकार है, लंबाई 37 इंच है, शोल्डर 17 इंच है, आस्तीन 24 इंच है, कॉलर कप 14 नो, सीना 36 इंच है, पेट 33 इंच है। मीडियम फिटिंग में बनेगा ये कुर्ता। कपड़ा हमारा सिंगल पनियम में 3 मीटर है। कपड़े को इस तरह डबल कर लेंगे। अब इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे। किनार को छोड़कर सीने का चौथा है, 36 इंच सीना है, 9 × 36 नौ का निशान लगा लेंगे। उसके बाद 9 के बाद 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब किनार सहित इस निशान से तक नाप लेंगे, 12.5 इंच आ रहा है, 13 इंच पर एक निशान लगा लेंगे सीधा यहाँ पर भी। अब इस निशान पर मोड़ लेंगे कपड़े को, नीचे बिल्कुल सीधा निशान लगा लेंगे एल स्केल की मदद से। ये बैक फ्रंट दोनों एक साथ काट रहे हैं। ये देखिए, ये डबल है, टोटल 4 कपड़े हैं। 37 इंच है लंबाई, इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, 39 कर देंगे, यहाँ पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर निशान लगा लेंगे गले का, यहाँ शोल्डर डाउन करेंगे 2 इंच इस तरह से। अब सीना हमारा 36 इंच है तो इसमें हम पूरे 9 इंच ही रखेंगे आर्म होल को। पेट का निशान 16.5 इंच पर लगाएंगे। और हिप का निशान 23 इंच पर, ये 23 इंच पर ही यहां से हमारा कट चालू हो जाएगा कुर्ते का। 9, 16.5 और 23 टेप को यहां रख लेंगे। ये 23, अब इन सभी निशानों पर स्केल से सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ गले से निशान लगाना शुरू करेंगे, 14 इंच गला है, इसको 2.5 इंच 2.5 ढाई इंच पर निशान लगाएंगे। शोल्डर 17 इंच है, 8.5 3 सूत ज्यादा, 8.5 और 3 सूत 9 इंच में 1 सूत कम पर ये निशान लगा लेंगे। सीना 36 है, 9 इंच। अब कुर्ते में यहाँ 1 इंच अंदर एक निशान लगाएंगे क्योंकि इधर चढ़त नहीं रहती है, इसलिए लूजिंग यहाँ पर 2 इंच ही देंगे। पेट है 33, 33 इंच, 8.25 इंच चौथाई। उसके बाद मीडियम फिटिंग है इसलिए हम इसमें 1.5 इंच की लूजिंग देंगे, ओवर फिटिंग होता तो 1.25 इंच की देते। हिप है 38 इंच, 9.5 इंच 38 का चौथाई, यहाँ भी हम 1.25 इंच देंगे लूजिंग। अब ये टोटल हमारा आ रहा है 11 इंच, तो 0.25 इंच बढ़ाकर यहाँ निशान लगा देंगे 12.5 पर। इस निशान से इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे।
हम यहाँ पर देखिए ऐसे मिलाकर शेप दे देंगे। इस तरह शेप दे देंगे। शोल्डर का निशान लगा लेंगे कंधी का। अब ये हमने जो अंदर निशान लगाया था 1 इंच, ये सीने का था, 1 इंच अंदर लगाया था, उस पर इसको एक निशान ऐसा उठा लेंगे। ये गोलाई हाथ से दे सकते हैं। गले का निशान लगाएंगे, गले का निशान 2.5 इंच पर लगाएंगे। यहां पर 2 इंच, अब देखिए ये हमारा आर्म होल का निशान था, ये पेट का निशान था, इसके लगभग सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। यहां तक हमारी फैशन बनेगी। पॉकेट का निशान लगा लेंगे यहां से 2.25 इंच के करीब। पॉकेट का निशान 6.5 इंच का लगाएंगे। सिल के ये तैयार 6 इंच आता है। फिर ये हमारी हो गई फ्रंट की मार्किंग, अब बैक की लगाएंगे हम। तो यहां से 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे सबसे ऊपर वाले निशान से, 1.5 इंच ऊपर यहां से। अब 2 इंच ये बैक के शोल्डर को भी डाउन कर लेंगे, शोल्डर का निशान लगाएंगे 17.5। यहाँ 0.5 इंच बढ़ाएंगे शोल्डर को, 9 इंच पर निशान लगा देंगे। अब इस कंधी को नाप लेंगे 7.5 इंच। यहाँ कंधी का निशान लगा लें। अब ये हमने 1.5 इंच ऊपर लगाया था, इसके बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाएंगे बैक गला काटने के लिए। बैक गले का निशान लग गया। अब जो हमारा चेस्ट का निशान लगा फ्रंट में, इस निशान को इससे मिलाएंगे बैक का आर्म होल के लिए। इस तरह ये निशान लगा देंगे थोड़ा घेर को यहां पर हल्का सा डाउन कर दें इस तरह से। ये मार्किंग हो गई। अब सबसे पहले हम काटेंगे बैक वाली कटिंग, पूरे कपड़े को काट लेंगे चारों को, फिर फ्रंट अलग से छांट लेंगे। ये देखिए ऊपर वाले बैक की कटिंग करेंगे, बैक वाले निशान की जो हमने बाद में लगाए थे। यहां पर एक कुटका लगा लें हिप वाले निशान पर, उसके बाद पॉकेट वाले निशान उठा लें। अब इसको एक पल्ले को उठाना, सिर्फ सिंगल पल्ले को इस तरह से।
अब इसको ये हमारा इधर सीधा है, इसलिए इस बैग को इस तरह से रखकर उल्टा कर लें। ये हमारी उल्टी है बैग, बैग को अलग रख देते हैं। इसको वैसे की वैसे जमा लेते हैं। अब देखिए इसको, ये जो निशान फ्रंट का है इस पर से काट लेंगे हम। आर्म होल को नाप लेंगे आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट काटने के लिए। इधर ये इतना दबेगा, इतना छोड़कर इस तरह से। ये 9 इंच फ्रंट का आया है, फिर इसको इतना छोड़ेंगे सिलाई का मार्जिन। ये 18.5 आया है तो इसमें 0.5 इंच कम करेंगे और 18 याद रखेंगे। इस तरह स्टिंग को डबल कर लेंगे। ऐसे जमा लेंगे। यहां देख लें कपड़े का अंदर वाले को कम तो नहीं है, वहीं से निशान लगाएं थोड़ा छोड़कर। साढ़े 4 इंच हमने आर्म होल जो नापा था 18 इंच था, तो उसका आधा करके यहां से शुरू से ही ये 9 इंच पर एक निशान लगा लें। अब यहां 1/4 इंच सीधा कटेगा, 1/4 इंच उसके बाद इस तरह निशान लगा लें एक। अब यहां से यहां का एक सेंटर लगा लें, 8 इंच आ रहा है 4 इंच पर। ये गुलाई दे दें, इस तरह रखकर यहां से यहां मिला दें पहले। इसको यहां से पलटा कर अब उसके बाद देखिए फिर से एक निशान लगाएंगे बैक के लिए। बहुत अच्छी आस्तीन बैठेगी। अब आस्तीन की लंबाई है 24 इंच, 24 इंच को टेप को यहां रखेंगे और इधर 1 इंच कम निशान लगाएंगे क्योंकि कफ टहलेंगे इसमें 2.25 इंच के। ये निशान लगा लेते हैं, कफ 9 इंच के हैं, 9 का आधा 4.5, 1 इंच मार्जिन और प्लेट के लिए 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये सीधा निशान लगा लें। अब यहाँ नाप कर देख लें, लूज वैसे नहीं आएगी, 13 इंच आएगी लूजिंग यहाँ आस्तीन के लिए। बढ़िया है, काट लेंगे। अब इस कपड़े को ऐसा फोल्ड करेंगे इधर बराबर करके। अब इसको पूरे को ऐसे पलटा लेंगे। पौन इंच पर एक निशान लगा लेंगे। पांच इंच की चाक पट्टी काटेंगे। यहाँ थोड़ा सा छांट दिया करें। अब ये फ्रंट का गड्ढा दे देंगे। चौबीस
चौक पट्टी काट लेंगे। साइड पॉकेट काट लेंगे। ये 20 इंच आ रहे हैं, 20 इंच लंबा, 6 इंच चौड़ा, 1 फोल्ड और कर लेंगे ऐसे। यहां ऊपर से 9 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, ऊपर से 9 इंच। इस कपड़े को यहां रखेंगे इस निशान तक, और ये कुर्ते लगा लेंगे। दोस्तों इस तरह कटिंग तभी करें जब कपड़ा पर्याप्त हो। ये कपड़ा ज़्यादा था हमारे पास, इसलिए इस तरह कटिंग की कर दी मैंने, नहीं तो फ्रंट के बाद जो कपड़ा बचता है फ्रंट बैक काटने के बाद, तो उसमें पहले नाप के देख लें अस्तीन कटेगी या नहीं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।